जी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ दी, स्वागत है फिर तो एक बार गल करांगे। लैक्चर रहेगा अपना पंजाबी मास्टर केडर दे नाल, ठीक है। लैक्चर रहेगा पंजाबी मास्टर केडर दे नाल। कल भी आपां पंजाबी मास्टर केडर दे बहुत सारे क्वेश्चन किए सी और अज का क्वेश्चन रहेगा अपना 41 नंबर। लैक्चर रहेगा अपना 82 नंबर। इस तो पहला 81 लैक्चर अपने बन चुके हैं पंजाबी मास्टर केडर दे और मॉर्निंग क्लास अपनी नहीं लगी 10 बजे। अज आप क्लास रखी हैगी है, तुम्हें पता है ईवनिंग SST क्लास है। इस तो पहले आप लाई सी 4 बजे और इस तो 10 मिनट बाद तुम दसा कि क्लास चलेगी। मॉर्निंग भी आप कम्यूनिटी टैब पा दिता सी तुहानू एक, ठीक है, कि एस पंजाबी मास्टर की क्लास ईवनिंग ही अज लग जाएगी क्योंकि टाइम मॉर्निंग नहीं हैगा सी। तो जल्दी लाइव आज स्टार्ट करांगे। हाँ जी आ चुके हैं सरबीत आ चुके हैं, बलदेव सिंह आ चुके हैं, ग्रीमा शर्मा आ चुके हैं। गुड ईवनिंग, 30 लाइव हो चुकी है। गुड, चलो स्टार्ट करो नाल दी नाल, ठीक है। SST की क्लास पहला प्रोवाइड कर दी गई, जरूर देख लियो। इस तो पहला जी 10 मिनट पहला क्लास जी ऑफ की है SST की। चलो आंसर करो की रहेगा, डॉक्टर हरचंद सिंह ने किहड़े नाटक लिखे। आंसर जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी बृंदपाल जी, ठीक है जी, गुड ईवनिंग सारे। चलो आंसर करो, डॉक्टर हरचंद सिंह ने किहड़े नाटक लिखे। आंसर की रहेगा, सुखांत दुखांत ऊड़ा आड़ा दोनों और उपरोक्त कोई नहीं। 41 का आंसर की रहेगा, जल्दी कर दो। हाँ जी 41 का आंसर की रहेगा, ठीक है जी, गुड ईवनिंग। 41 का आंसर करो जी की रहेगा, डॉक्टर हरचंद सिंह ने किहड़े नाटक लिखे। हाँ आंसर तुहाडा आना स्टार्ट हो गया। उस तो पहले एक चीज़ सुनो थोड़ी जी, डॉक्टर हरचंद सिंह है जो, डॉक्टर हरचंद सिंह नू नाटक जगत दा, नाटक जगत दा बाबा बोहड़ कहा जाता है। नाटक जगत दा बाबा बोहड़ कहा जाता है हरचरण सिंह नू, डॉक्टर हरचरण सिंह नू नाटक जगत दा बाबा बोहड़ कहा जाता है। इस नू नोट रखियो जरूर। चलो अगले क्वेश्चन ते आ जाओ। हाँ इसका राइट आंसर होएगा, ये कर लो पहले, राइट आंसर है ऊड़ा आड़ा दोनों, सुखांत ते दुखांत दोनों तरह के नाटक लिखे है डॉक्टर हरचरण सिंह ने। आंसर है ईड़ी ऊड़ा आड़ा दोनों। अगले ते आ जाओ। गुड अगला क्वेश्चन है, चरणदास सिद्धू का लिखा पहला नाटक किहड़ा है। आंसर करो की रहेगा, चरणदास सिद्धू का लिखा पहला नाटक किहड़ा है। जेकर देखा जाए इस तो पहला वाला आप गल की सी डॉक्टर हरचरण की, ठीक है, पहला वाले क्वेश्चन गल की डॉक्टर हरचरण। डॉक्टर हरचरण का जेकर जन्म देखा जाए तो 1915 होया, ठीक है। डॉक्टर हरचरण का जन्म 1915 उस चीज़ को याद रख लियो जिसनु नाटक जगत का बाबा बोहड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना है, चरणदास सिद्धू का लिखा पहला नाटक किहड़ा है। इंदुमती, सतदेव स्वामी जी, भजनो बाबा बंतू। आंसर करो 42 का की रहेगा। चलो 42 का आंसर की रहेगा, करो जी। हाँ 42 का आंसर की रहेगा, 41 का हो चुके हैं पहला वाले का, 42 का आंसर तुम कर रहे हो नाल दी नाल, जरूर चेक करांगे तुहाडा आंसर। और वीडियो में वध तो वध शेयर करो क्योंकि बहुत सारे नहीं पता होगा अच्छ क्लास ईवनिंग लगी है, जो ही क्लास अपडेट होंगी है तो उस तो बाद वध तो वध शेयर कर दो ताकि सारे तक क्लास पहुँच जाए, ठीक है। इंदुमती सतदेव बिल्कुल राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है इंदुमती सतदेव, ठीक है। इंदुमती सतदेव इसका राइट आंसर रहेगा। जेकर गल की जाए चरणदास की, ठीक है, चरणदास का जन्म 1938 होया। हाँ राइट आंसर रहेगा इंदुमती सतदेव। चरणदास की जन्म की गल की जाए तो चरणदास का जन्म होया 1938 दे, कि टाइम रहे है 2013 तक रहे है, ठीक है, 2013 तक रहे ने 1938 तो। चरणदास सिद्धू इसका पहला लिखा नाटक जो आप मिलता वह मिलता इंदुमती सतदेव। आंसर ऊड़ा। अगले ते आ जाओ। हाँ अगला क्वेश्चन है, जेकर देखा जाए सिद्धू आ जाओ चरणदास सिद्धू, इसने 38 नाटक लिखे ने। चरणदास सिद्धू ने किन्ने नाटक लिखे? 38, 11 पुस्तक लिखिया ने इसने, काफ़ी महान है ये, 11 पुस्तक लिखिया, 38 नाटक लिखे है। अगला क्वेश्चन लेने नाल दी नाल, किहड़े नाटक विच सिद्धू ने पखंडी साधा का भाज उखेड़िया है? आंसर करो। 43 का आंसर की रहेगा, किहड़े नाटक विच चरणदास सिद्धू ने
पखंडी साधा दा भाज उखेड़िया है भजनो स्वामी जी बाबा बंतु इंदू मती सतदेव। बिल्कुल तुहानू आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि आंसर तुहानू ऑप्शन तो ही पता लग जाना चाहिए की आंसर आएगा। किहड़े नाटक विच सिद्धू ने पखंडी साधा दा भाज उखाड़िया है? 43 दा आंसर। हाँ आंसर तुसी कर रहे हो बी, बिल्कुल आंसर तुहाडा 43 दा, जिन्हां दा बी है शशि शर्मा स्वामी। हाँ जी स्वामी बिल्कुल राइट हो गया, स्वामी जी इसका राइट आंसर हो गया। प्रेतपाल गुड, स्वामी जी इसका राइट आंसर हो गया, आंसर हो गया आड़ा, करो आंसर आड़ा। ठीक है 38 नाटक लिखे ने चरणदास सिद्धू ने, इसनों याद रखियो 11 पुस्तकें लिखी ने इसने, बहुत इंपॉर्टेंट। अगे डॉक्टर सिद्धू अपने नाटकों में किस भाषा की वरतों करता है? करो आंसर की रहेगा, 44 का आंसर करो। डॉक्टर सिद्धू अपने नाटकों में किस भाषा की वरतों करता है? मलवई भाषा, माझी भाषा, दबाबी भाषा, पोठोहारी भाषा, आंसर करो। बिल्कुल राइट आंसर तुहाडा आना स्टार्ट हो चुका है। हाँ शेयर कर दो वीडियो, लाइक कर दो, और 63 लाइव चल रहे हैं अपना, बहुत सारे नहीं पता लग गया, अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करा करो। चलो 46 का आंसर। सी आंसर बिल्कुल तुहाडा सही है, 46 आंसर सी बिल्कुल सही है, दुआबी भाषा, दुआबी भाषा राइट आंसर हो गया। दुआबी भाषा के जोड़े नाटक उसके मिल जाते हैं ज़्यादा। चलो अगले क्वेश्चन दे, डॉक्टर चरणदास सिद्धू ने पंजाबी नाटक के खेत्र में पाए योगदान का सदका किसी संस्था तो सम्मान मिले? करो आंसर। डॉक्टर चरणदास सिद्धू ने पंजाबी नाटक के खेत्र में जो उसने योगदान दिता है उस सदका उसनों किसी संस्था तो सम्मान मिलया है, अवार्ड मिले उसनों, पुरस्कार मिले किस तो? पंजाबी अकैडमी दिल्ली तो मिले, पंजाब संगीत नाटक अकैडमी तो मिले, जां साहित्य कला परिषद दिल्ली तो मिले, जां उपरोक्त सारे? आंसर करो। हाँ ठीक है 45 आंसर तुसी कर रहे हो, नाल दी नाल कुछ डॉट एक चल रहा शायद, मैनू लग रहा है। अशोक शर्मा कहिंदे कि चरणदास सिद्धू 2003 विच साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया सी, हाँ ये भी गल करांगे कोई गल नहीं। हाँ 2003 दे विच पहले इसका आंसर देखो एक बार, फिर करांगे गल जी आपां जरूर। आंसर तुहाडा इसका डी आ चुके है, बिल्कुल सही आंसर है डी, हाँ डी सही रहेगा। सारे ही तरह के सम्मान इन्हां नूं मिले है, पंजाबी अकैडमी दिल्ली तो, पंजाब संगीत नाटक अकैडमी तो, साहित्य कला परिषद दिल्ली तो। इस तो अलावा इन्हों जो एक मेन अवार्ड मिले जिसनों आप बोलेंगे वो अवार्ड है 2003 के मिले, ठीक है 2003 के इन्हों अवार्ड मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसनों बोलते हैं, उसनों जोड़ा ये मिले है शहीद भगत सिंह तिकड़ी, इसका एक नाटक सी शहीद भगत सिंह तिकड़ी, शहीद भगत सिंह तिकड़ी नाटक ते 2003 दे विच साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया किसनों? डॉक्टर चरणदास सिद्धू नू। इसनों नोट करो, अगले क्वेश्चन ते आ जाओ, ये अवार्ड भी मिले है और साहित्य अकादमी भी मिले 2003 च, ठीक है किस लिए मिलिया सी? एक नाटक सी शहीद भगत सिंह नाटक तिकड़ी, ठीक है उस करके मिलिया सी। अगले क्वेश्चन ते चलो करो, साहित्य कला परिषद दिल्ली दे सालाना नाटक मुकाबलों में डॉक्टर चरणदास सिद्धू नूं किन्नी बार इनाम प्राप्त हुए? आंसर करो जी, 46 का की रहेगा। साहित्य कला परिषद दिल्ली दे सालाना नाटक मुकाबलों में डॉक्टर सिद्धू नूं किन्नी बार इनाम प्राप्त हुए? आंसर 46 का करो जी। हाँ 46 का आंसर तुहाडा चैक करते हैं, ठीक है 46 का आंसर करो जल्दी, आंसर नहीं आया हाले तक, आ चुके है ठीक है। रमन कौर, परविंदर कौर, अशोक शर्मा, बाकी भी करो आंसर जल्दी। हाँ आंसर करो जल्दी, 46 नंबर का, किन्नी बार उसनू जिहड़ा दिल्ली वाला अवार्ड मिलया है कला परिषद तो डॉक्टर सिद्धू नू?
पांच बार बिल्कुल राइट आंसर शशि शर्मा ठीक है जी, एक मोबा बाल ठीक है जी, प्रविंदर कौर ठीक है जी, हाँ जी हरजिंदर कौर जी, क्लास स्टार्ट हुई नू जो लगभग अपने पांच क्वेश्चन हो चुके, इस तो पहला 40 तो स्टार्ट किया सी, अपना सीरीज पांच हो चुके है, आंसर है इसका पांच बार, ठीक है पांच बार उसनू साहित कला परिषद दिल्ली का सालाना नाटक मुकाबले में अवार्ड मिले डॉक्टर चरणदास सिद्धू नू, आंसर है ईडी, अगे आ जाओ आंसर है पांच बार, डॉक्टर चरण सिंह द्वारा लिखे नाटकों में शामिल है की शामिल है, भुख, स्वर्ग खाली है, गुरु ते चेला, ये सारे सुन दस्या कि डॉक्टर चरण सिद्धू ने 38 नाटक लिखे ने टोटल 38, हुण तुसी देखना भी ये 38 दे विच आउंदे आ जां नहीं आउंदे, आंसर तुसी करना है, हाँ चरणदास सिद्धू नू पंजाबी दा कुमक्कड़ नाटककार भी कहा जाता है, अशोक शर्मा जी गुड, पंजाबी दा कुमक्कड़ नाटककार भी कहा जाता है चरणदास सिद्धू नू, 38 नाटक इन्होंने लिखे है, आंसर करो इस दे विचों की रहेगा कि ये नाटक ही सारे उसके है, करो जा कोई एक अद्धा ही है इस दे विचों, 47 दा आंसर तुहाडा आ चुका है, ठीक है संताली दा आंसर गुड, आंसर रहेगा इसका डी, ए सारे ही आंसर होएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर सारे ही, अगले ते आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा बुद्ध सिंह, बाबा बुद्ध सिंह दे नाटकों में शामिल है, करो आंसर, अगला क्वेश्चन है बाबा बुद्ध सिंह दे नाटकों में की शामिल है, चंद्रहरी, दामनी, मुंदरी छल, नारनवेली, ये सारे ही, 47 का आंसर डी हो चुके, 48 का आंसर करो जल्दी, 47 का हो चुके डी, 48 का करो, हाँ जी आंसर बाबा बुद्ध सिंह दे नाटकों में शामिल है की, हाँ 48 का आंसर तुसी कर रहे हो, एक बार चेक करते हैं तुहाडा आंसर, हाँ आंसर 48 का करो जल्दी जल्दी, तीन ही आंसर आया, महिमा परविंदर गिल, परविंदर कौर, बलविंदर कौर, सरबीत वर्मा, मनप्रीत सिंह, परविंदर गिल, हाँ हरप्रीत कौर आंसर आ चुके है थोड़े, हरवंश कौर का आंसर, बाकी भी करो ठीक है, बाकी के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, अशोक शर्मा, दीप कौर आ चुके हैं, रिमी बाला आ चुके हैं, अजय पॉल सिंह आ चुके हैं, हाँ बाकी अमनदीप कौर आ चुके हैं, अरवाज सिखों का आंसर आ चुके हैं, डॉक्टर वेद कर का आंसर आ चुके हैं, बीरबल का आंसर आ चुके हैं, रामनप्रीत टैगर का आंसर आ चुके हैं, प्रियंका राणी का आंसर आ चुके हैं, गुड हाँ आंसर इसका रहेगा सारे उपरोक्त सारे, चंद्रहरी 1909 के छपया नाटक, पहला मौखिक नाटक है चंद्रहरी, इसको नोट करो 1909 के जोड़ा लिखा गया पहला छपया कहते हैं मौखिक खेडिया कह सकते हैं अपना, चंद्रहरी पहला मौखिक नाटक मनिया जाता 1909 के चंद्रहरी, उस तो बाद फिर इन्हों एक होर नाटक है मुंदरी छल, मुंदरी छल 1927 के ठीक है 1927 के मुंदरी छल, और दामनी 1930 के वाला दामनी 1930 के, नार नवेली 1928 के, ठीक है बाबा बुद्ध सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हों एक क्वेश्चन लगभग आएगा, इस तो अलावा बाबा बुद्ध सिंह बारे गल की जाए तो इन्होंने बहुत सारिया आलोचनात्मक पुस्तक लिखिया, आलोचनात्मक पुस्तकों के इन आ जाती है हंस चोग पुस्तक आ जाती है हंस चोग 1913 के, कोयल कू पुस्तक आ जाती है 1916 के, ठीक है उस तो बाद एक होर पुस्तक आ जाती है बबीहा बोल 1925 के, बाबा बुद्ध दी आलोचनात्मक पुस्तकों ने बबीहा बोल 1925 के, इस तो एक होर पुस्तक आ जाती है प्रेम कहानी 1932 के, आलोचनात्मक पुस्तक इन मिल जाए ने प्रेम कहानी 1932 के, राजा रसालू आ जाती है पुस्तक इन्हों 1931 के, राजा रसालू 1931 के, ठीक है आशा कि तुम्हें वधिया लग रहा है प्रीतम शो
एक होर पुस्तक आ जाती है प्रीतम शो। ठीक है चलो, आ सके वधिया लग्या तो एक बार जरूर जरा लाइक करो, थम्स अप जरूर कर दो। अगले क्वेश्चन ते आ जाओ। अनंजा नंबर सरदार गुरबख्श सिंह नारंग, सरदार गुरबख्श सिंह नारंग ने किहड़े नाटक पंजाबी साहित्य नूं दिता है? आंसर करो। पति पूजा, रूप कौर, आशा सिंह, ये सारे आंसर करो। नंजा का की रहेगा? हाँ जी, अनंजा का आंसर की रहेगा? ठीक है, अनंजा का आंसर पहला वाले का हो चुकिया, बिल्कुल राइट आंसर अपना कर चुके हैं ये सारे। ठीक है, जो कि पढ़े अपना पुस्तक सी बाबा बाबा बुद्ध दियाँ चंद्रहरी पुस्तक नहीं कहेंगे, नाटक सी उसके चंद्रहरी मुंदरी छल दामिनी नारदवेली। अगला क्वेश्चन है सरदार गुरबख्श सिंह नारंग ने किहड़े नाटक पंजाबी साहित्य में दिते? हाँ आंसर नंजा का आंसर तुहाडा आ चुके है, बिल्कुल राइट आंसर डी ही रहेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या डी, ये सारे ही जिहड़े नाटक दिते ने गुरबख्श सिंह नारंग ने। हाँ एक चीज़ तुहानू दस दी है, जिन्हें भी लाइव है क्यों, वैसे अपनी क्लास मॉर्निंग ही चलेगी 10 बजे, 10 बजे ही लाइव क्लास चलिया करेगी मॉर्निंग। अगर कई बार कोई दिक्कत लगती है, किसी भी तरह की एमरजेंसी आती है, मेरे को टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप क्लास SST की क्लास नाल कर लिया करा। ठीक है, SST की क्लास तो बाद क्लास आप पंजाबी उस दिन कर लिया करेंगे जिस दिन अपनी क्लास 10 बजे मिस होएगी। ठीक है, जिस दिन 10 बजे मॉर्निंग पंजाबी की क्लास मिस होएगी तो यह समझ लिया करो कि क्लास जी ईवनिंग होएगी, SST की क्लास तो बाद कराया करेंगे। ठीक है चलो, आंसर यहाँ रहेगा सस्सा, ये सारे अगले थे। सरदार नानक सिंह द्वारा लिखे नाटक दा नाम है करो। सरदार नानक सिंह ने इन चो कि नाटक लिखे? पंजाब का आंसर की रहेगा करो जी? सरदार नानक सिंह का नाटक पंजाब का आंसर की रहेगा? हाँ जी गुड, पहला वाला आंसर डी हो चुके, पंजाब का आंसर करो। कोई गल नहीं जी, गिल बलतेज भीर जी, जेकर तुहानू कल स्कूल बुला लिया तो स्कूल चाहे जायो। ठीक है, जेकर उत्थे मोबाइल यूज़ कर सकते हो तो मोबाइल यूज़ कर लियो अपने स्कूल दे विच, जेकर अलाउड होया। ठीक है, बट तुसी ऑफलाइन क्लास देख सकते हो जदों मर्जी, इस दे विच कोई टेंशन नहीं, पर लाइव क्लास का जिहड़ा नज़ारा वक्खरा आंदा है। चलो ठीक है, आंसर इसका ईडी रहेगा जां की रहेगा? कूड आंसर बोल रहे बहुत सारे। हाँ पंजाब आंसर ए भी कर रहे हैं, डी भी कर रहे हैं, एक आंसर आया बलबीर सिद्धू का सी, बाकी देखते हैं की रहेगा सारे का आंसर। हाँ सुंदर रानी ईड़ी कर रहे आंसर इसका, बाकी भी करो आंसर की रहेगा, पंजाब आंसर की रहेगा, जल्दी जल्दी करो, मैं चेक कर रहा थोड़े आंसर। राजा पोर्स भी कर रहे हैं बहुत सारे। नाटक की गल हो रही है, ये नाटक पूछे भी नानक सिंह द्वारा लिखे नाटक का नाम सुना, आप नाटक कि छलावा नावल है, कहें BA पास भी नावल है ना, पर नाटक कि ये दसना तुसी, आंसर की रहेगा? मैं तोड़े तो डिपेंड नहीं रहूँगा, पर आंसर जरा मेरे को आंसर है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हाँ पंजाब आंसर रहेगा ईडी, BA पास। ठीक है, वैसे मैंने डाउट लग रही है पर आंसर इसका BA पास होएगा। ठीक है BA पास, पर जेकर कोई डाउट हुई तो कल जरूर क्लियर करांगे, एक बार कमेंट करके दस दियो। आंसर रहेगा इसका BA पास, नाटक नानक सिंह द्वारा लिखे है। आगे करो, हाँ जी सी आंसर रहेगा बलबीर सिद्धू जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। डॉक्टर हरचरण सिंह ने सब तो पहले इतिहासक नाटक का नाम करो। डॉक्टर हरचरण सिंह बारे कल किया बहुत इंपॉर्टेंट सी, उसका सब तो पहले इतिहासक नाटक का की नाम है? 51 का आंसर, कमला कुमारी, राजा पोर्श, सुखमन देव वारस, अजकल ते पलक। आंसर करो 51 का की रहेगा? 51 का आंसर
ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਮਲਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਪਲਕ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ? ਹਾਂ, ਦੋ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੋਰਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਰਸ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੰਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆੜਾ ਪੋਰਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂ, 51 ਦਾ ਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਘੁੱਗੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਰੋ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਘੁੱਗੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ, ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ, ਆਨਸਰ। ਹਾਂ, 91 ਦਾ ਆਨਸਰ, ਸੋਰੀ, 52 ਦਾ ਆਨਸਰ, 52 ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ। ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਸਦਾ, ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੂ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ, ਖੋਸਲਾ ਖੋਸਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਸਲਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਬੇਘਰੇ, ਬੂਹੇ ਬੈਠੀ ਧੀ, ਕੰਧਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 53 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 53 ਨੰਬਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? 53 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, 53 ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰ ਕੌਰ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, SST ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਈਮ, 4 ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ SST ਦੀ ਕਲਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। 1961 ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੂਹੇ ਬੈਠੀ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੂਹੇ ਬੈਠੀ ਧੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। 53 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਂਸਰ ED, ਬੂਹੇ ਬੈਠੀ ਧੀ। ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਜੋੜੀਆਂ ਜੱਗ ਥੋੜੀਆਂ ਨੜੜ ਬਥੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ? ਜੋੜੀਆਂ ਜੱਗ ਥੋੜੀਆਂ ਨੜੜ ਬਥੇਰੇ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਟਕ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ? ਗਲੀ ਬੰਦ, ਬੰਦ ਗਲੀ, ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਮੂਕ ਸੰਸਾਰ। 54 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ, 54 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਆੜਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ED ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਊੜਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸੱਸਾ ਰਹੇਗਾ? 54 ਦਾ ਆਨਸਰ, ਹਾਂ, 54 ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਪਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 54 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਕਰੋ। ਸੁੰਦਰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ੈਲੀ ਚੰਦਰ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਰਵਾਜ਼ ਸਿੱਖੋਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁੱਡ। ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਗਰ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਮਨ ਕੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਗਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਗਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆੜਾ, ਬੰਦ ਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 54 ਦਾ ਬੰਦ ਗਲੀ। ਚਲੋ,
आग लिया। हरशरण सिंह का कौन सा नाटक समकाली राज सी? हरशरण सिंह का कौन सा नाटक समकाली राज सी? स्थिति ते करारी चोट है, आंसर करो फुल कमला गया, कुलशने, लंबे समय का नरक, अपराधी। 55 का आंसर की रहेगा, करो जल्दी। हाँ जी 1965 में प्रकाश तो आया सी बंद गली, जिसनों आप नाटक का पहला नाम सी जोड़ियाँ जग थोड़ियाँ, नरड़ बथेरे। आंसर करो अगे 55 का, हरशरण सिंह का कौन सा नाटक समकाली राजसी स्थिति ते करारी चोट है? फुल कमला गया, कुलशने, समय का नरक, अपराधी। 55 का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हैगा ईडी, लंबे समय का नरक, लंबे समय का नरक। ठीक है, राजसी समकाली स्थिति ते करारी चोट लाई सी इस नाटक द्वारा हरशरण सिंह ने, लंबे समय का नरक। और हुण अपने कोले करोना चल रहा, लंबे समय का नरक ही है करोना भी, है ना। जेकर देखा जाए ये भी एक राजसी चोट कही जा सकती है, आप ठीक है राजसी चोट इस पर भी लग सकती है, लंबे समय का नरक चल रहा एट ए टाइम। राइट आंसर ईडी, बहुत सारी जी राजनीति भी हो रही है करोना के, वैसे करोना है तो हैगा सी पर थोड़ा जहा ज़्यादा मसाले भी लगे पे है। चलो कोई गल नहीं, बाद गल्लां अगे आ जाओ। 56 आंसर करो, इन्हां विचों किहड़ा नाटक अजमेर औलख का लिखा होया है? आंसर करो किहड़ा नाटक अजमेर औलख का लिखा होया है? इन्हां विचों किहड़ा नाटक अजमेर औलख का लिखा होया है? सत बगाने गानी, इक सी दरिया अते केर सिंह की मौत, मैं ता एक सरंगी हाँ, इश्कबाज नमाज का हज नहीं। आंसर 56 का की, चलो 56 का आंसर करो, 56 का अजमेर औलख का लिखा होया नाटक। हाँ आंसर थोड़ा देख लेने एक बार जरूर। अजय पॉल का आंसर आ चुके है, हरप्रीत कौर का आंसर है, लाडी मौर का आंसर आ चुके हैं। हाँ परमिंदर कौर आंसर कर दिता गया, शर्मा जी आंसर क्या है, ग्रीमा शर्मा का आंसर, बाकी भी करो। हाँ हाँ जी वरिंद्रपाल जी थोड़ा आंसर सही लग रहा, मैं संजय कुमार थोड़ा भी सही लग रहा, बाकी भी करो, चलो करो करो आंसर। हाँ जी 56 का आंसर, जल्दी आंसर करा करो 56 का आंसर। हाँ जिन्हों का आंसर 56 का बिल्कुल 1 मिनट, हाँ जी 56 का आंसर जिन्होंने बिल्कुल ईडी दिता है बिल्कुल सही है, मैं तो एक सारंगी हाँ, मैं तो एक सारंगी हाँ, राइट आंसर हैगा ईडी, बिल्कुल राइट आंसर, सी आंसर बोलेंगे या ईडी बोलेंगे। अगले ते आ जाओ, पंजाबी का पहला काव्य नाटक किहड़ा है? आंसर करो की रहेगा, काव्य नाटक कविता की तरह लिखा नाटक है पंजाबी का, वह किहड़ा है पहला करो, जिदे विच आपां नूं मान लो अलंकार देखने मिल जाते हैं, या कुछ मान लो भी कविता वाली शैली देखने मिल जाती है, इस करके उसनूं बोलते हैं काव्य नाटक। तो पंजाबी का पहला काव्य नाटक किहड़ा है? तार तुपका है, तार ते तुपका कहते तुसीं देखे ही होना, जदों मीह पैंदा ना तां जिहड़ियां बिजली दियां तारां हुंदियां जां कोई भी तार हुंदी उस ते तुपका लमकण लग जांदा पाणी दा, तार तुपका हरभजन सिंह दा होएगा पहला काव्य नाटक, बाबा बोड़ सिखों, लूणा दा लूणा शिव कुमार बटालवी ते होर सारे ही, ठीक है कलयुग रथ आगन का फुल, आंसर की रहेगा पहला काव्य नाटक। 57 का आंसर, ठीक है चेक कर दें तो आंसर, सी आंसर बिल्कुल थोड़ा सही है लूणा, सी आंसर बिल्कुल सही है जी लूण वाला, ठीक है सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है जी लूणा आंसर इसका रहेगा। हाँ 1967 के पुरस्कार मिला सी लूणा वास्ते शिव कुमार नूं, जरूर जा रखियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो राइट आंसर है सी लूणा। अगले ते आ जाओ, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी के नाटक राजकुमारी लतिका का विषय है? करो आंसर,
गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी दे नाटक राजकुमारी लतिका दा विशा कहो जा है। आंसर करो, राजें दी आपसी दुश्मनी वाला, राजकुमारी दे ब्याह दा दुखांत, राज महला अंदर दुरा दरार, इन्हां विचों कोई नहीं। 58 दा आंसर, हाँ 58 दा आंसर ठीक है। 58 दा आंसर चलो करो जल्दी जल्दी। 56 दा आंसर हो चुका जी। 56 केड़ा रह गया अपने पीछे? 56 दा आंसर है ईड़ी। 56 दा आंसर है मैं ते एक सारंगी हाँ, इसका आंसर 56 वाले का ही होएगा। चलो आप कर रहे थे ये वाला, हम करो हाँ 58 दा आंसर तुसी कर दिता, बी बहुत सारे ने। अजय पॉल जी 56 दा आंसर मैं तो एक सारंगी हाँ, ये आंसर होएगा। 56 च जेकर डाउट आता कल क्लीयर कर देंगे, वैसे आंसर उसका उही रहेगा। हम 58 दा आंसर कर रहे हैं, पर 58 दा आंसर बिल्कुल राइट रहेगा जी। आंसर आड़ा राजकुमारी के ब्याह का दुखांत, 2 नंबर आंसर। गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी के नाटक राजकुमारी लतका विच की है, राजकुमारी के ब्याह का दुखांत विशा पेश किया गया, आंसर हैगा आड़ा। बिल्कुल अगे आ जाओ। नाटककार नंदा कहो जहा नाटककार सी, नंदा बारे जानते हो तुसी? आईसी नंदा दसो जी। नाटककार नंदा कहो जहा नाटककार सी, करो आंसर। प्रयोगशील रोमांसवादी, प्रभाववादी, यथार्थवादी। अनाहट दा आंसर जी, आंसर करो। आंसर करो नाटककार नंदा कहो जहा नाटककार सी, की आंसर हैगा नाटककार नंदा कहो जहा नाटककार सी जी, आंसर करो। ठीक है आंसर तुहाडा आ चुके है लगभग, ए आंसर है ना यथार्थवादी करे, बहुत सारे यथार्थवादी हो सकता है, चलो देखते हैं। हाँ 59 का आंसर रहेगा बिल्कुल सस्सा, 4 नंबर यथार्थवादी, सिंचाई ते चलन वाला यथार्थवादी गल करने वाला नाटककार सी नंदा, बिल्कुल राइट आंसर सस्सा। अगे आ जाओ। सुभद्रा नाटक नूं असी केड़ी प्रवृत्ति दे अधीन लिखिया नाटक है, कहने का मतलब है सुभद्रा नाटक नूं असी केड़ी प्रवृत्ति दे अधीन रख सकते हैं, लिखिया आख सकते हैं, जाओ आंसर करो। हाँ जी आंसर, आंसर करो की रहेगा जल्दी, 5 क्वेश्चन बाकी है अपने को, थोड़ा जल्दी करा करो आंसर। 60 का आंसर, 60 का आंसर तुहाडा आ चुका है बी, है ना, तो 60 का आंसर बी ही रहेगा, सुधारवादी सुभद्रा नाटक, सुधारवादी राइट आंसर। अगले ते आ जाओ। सुभद्रा नाटक का मुख्य विषय की है, देखो सुधार की गल हो रही है तो सुधार किस चीज़ होएगा, विषय की होएगा, आंसर करो। सुभद्रा नाटक का मुख्य विषय की है, जल्दी कर दो थोड़ा थोड़ा। हाँ सुभद्रा नाटक का मुख्य विषय की होएगा, विधवा ब्याह की समस्या, समाज में अनपढ़ता की समस्या, दोस्ती है उसनों कायम रखने की समस्या, दी प्यार या औरत के मन के अंदर प्यार कामना, आंसर 61 का। हाँ पहला वाले का आंसर हो चुके है बिल्कुल, पहला वाले का आंसर रहेगा सुधारवादी, इसका आंसर करो। सुभद्रा नाटक का मुख्य विषय केड़ा है, 61 का आंसर, हाँ आंसर ए बिल्कुल सही है, तुहाडा आ चुके आंसर विधवा ब्याह की समस्या, आंसर उड़ा विधवा ब्याह की समस्या, ठीक है क्योंकि एक सुधार है कि विधवा ब्याह होना चाहिए। ठीक है अगे, बरकर नाटक का मुख्य विषय की है, बरकर, बरकर एक नाटक सी और जिसका मुख्य विषय की है, करो आंसर। बरकर नाटक का मुख्य विषय की है, आंसर करो जल्द।
ਬਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਬਿਆਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਬਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 61 ਦਾ, 62 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਕਰੋ 62 ਦਾ ਆਂਸਰ ਜੀ। ਜੀ 62 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰੋ, 61 ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ 62 ਦਾ ਆਂਸਰ। ਹਾਂ 62 ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਈੜੀ, ਬਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਬਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਈੜੀ। ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਨਾਟਕ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰੋ ਆਂਸਰ। 2, 3, 4, 5, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਨਾਟਕ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਕਰੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਨਾਟਕ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2, 3, 4, 5। 63 ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, 3, ਈੜੀ, ਈੜੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਈੜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ 3 ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਨਾਟਕ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਕਰੋ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, 64 ਦਾ ਆਂਸਰ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਨਲ ਦਮਿਅੰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਹਾਂਜੀ 63 ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ 3, ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ 3 ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ 3। ਅੱਗੇ 64 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਨਲ ਦਮਿਅੰਤੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, 64 ਦਾ ਆਂਸਰ ਜੀ। ਆਂਸਰ ਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਂਸਰ ਨੰਬਰ 65 ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ। ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੀ, ਨਾਟਕ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਛਪਿਆ, 65 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ 65 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ। ਨਾਟਕ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਛਪਿਆ, ਕਰੋ ਆਂਸਰ 65 ਦਾ ਜੀ, ਆਂਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ 65 ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਲਗਭਗ 3 ਆਂਸਰ, 1955 ਆਂਸਰ ਇਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂ 1955 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ 1955 ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਨਾਟਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਕਿ SST ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੈਪ ਪਾਈ ਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਟਕ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ SST ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SST ਦੀ, ਔਰ ਮਾਰਨਿੰਗ 10 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CTET ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, CTET ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ SST ਹੈ ਤਾਂ CTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ SST, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ MSW ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ CTET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ SST ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੋਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੋਰਨਿੰਗ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ SST ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨਿੰਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਟ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਮੋਰਨਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਸਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਰਵਾਜ਼ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਟਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ HR ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੋਪਿਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ CTET, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CTET ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਡਿਸਲਾਈਕ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਕਰ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਦੇ ਲੈਕਚਰ, ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਲੈਕਚਰ, GK ਦੇ ਲੈਕਚਰ, ਬਾਕੀ GK ਜੋ ਕਿ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
मैथ हो गया जां रीजनिंग होगी उस वास्ते तुहानू टीचर प्रोवाइड करवाए जाणगे, साइंस वास्ते, कंप्यूटर वास्ते। आने वाले टाइम सोच रहे हैं तां तुहानू कोई वधिया टीचर प्रोवाइड कराए जाण इंग्लिश वास्ते, है ना। चलो हाँ बस ठीक है जी, तुहाडा प्यार इस तरह बनया रहे। ओके जी, गुड, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।